थाना गढ़ी मलहरा पुलिस ने अवैध हथियार देसी कट्टा सहित दहशत फैला रहे दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी महेंद्र उर्फ बेटी बेलदार व बंटी उर्फ राज सोलंकी थाना सटई क्षेत्र के अंतर्गत लूट, अवैध हथियार सहित पृथक पृथक मारपीट के प्रकरणों में पूर्व से संलिप्त है। छतरपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियार के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियार की फैक्ट्री निर्माण सामग्री एवं अवैध हथियार जब्त कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैला रहे आरोपियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। थाना गढ़ी मलहरा पुलिस को विगत रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान भिन्न भिन्न स्थानों में अवैध हथियार सहित आरोपियों के घूमने की सूचना प्राप्त हुई। थाना गढ़ी मलहरा पुलिस ने अठारह सरकार के पास से चबूतरे में बैठे संदेही की तलाश ली। संदेही के पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया। पूछताछ पर नाम बंटी उर्फ राज सोलंकी निवासी गढ़ी मलहरा बताया गया एवं अन्य स्थान बगराजन गेट के बगल से दूसरे संदेही की तलाश ली गई। तलाशी के दौरान 12 बोर का देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया। पूछताछ पर महेंद्र बेलदार उर्फ बेटी निवासी कस्बा गढ़ी मलहरा बताया, अवैध हथियार के लिए दोनों आरोपियों बंटी उर्फ राज सोलंकी निवासी कस्बा गढ़ी मलहरा एवं महेंद्र बेलदार उर्फ बेटी निवासी कस्बा गढ़ी मलहरा को अभिरक्षा में लेकर आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक अवैध हथियार का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आदतन अपराधी आरोपी महेंद्र उर्फ बेटी बेलदार व बंटी उर्फ राज सोलंकी थाना सटई क्षेत्र अंतर्गत लूट, अवैध हथियार सहित पृथक पृथक मारपीट के प्रकरणों में पूर्व से संलिप्त है। अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, विवेचना कार्रवाई जारी है। उक्त कार्रवाई में SDOP नोगांव श्री चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गढ़ी मलहरा धर्मेंद्र कुमार सिंह व पुलिस टीम की मुख्य भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।